नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिज़ाइन ऑफ गेंट्री गर्डर। तो दोस्तों, इस वाले हम सेशन में आज हम आपको बताएंगे कि गेंट्री गर्डर की जो है वो डिज़ाइन कैसे होती है, और बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हम आज सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है जो RTU स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम जानेंगे कि गेंट्री गर्डर की डिज़ाइन स्टेप्स क्या होती हैं, और इन गेंट्री गर्डर को जो डिज़ाइन किया जाता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, और क्या क्या स्टेप्स होती हैं। गेंट्री गर्डर की स्टेप्स जानने से पहले, यानी कि डिज़ाइन को जानने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों गेंट्री गर्डर होता क्या है। ठीक है, गेंट्री गर्डर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम है ट्रेवलिंग, जो ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होती है उसका, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन का ये डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रही है आपको, ये क्रैब दिख रही है, इसको बोलते हैं क्रैब, यानी कि ट्रॉली। और इससे अटैच होता है नीचे हुक, जिसके ऊपर आपको लोड लिफ्ट करना होता है। यहाँ पे ये हुक होते हैं, ये जनरली आपने फैक्ट्रीज़ में या फिर स्टोन वगैरह की कटिंग होती है वहाँ पर आपने देखी होंगी, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें क्या है, एक क्रैब होती है, ट्रॉली होती है, क्रेन होती है, होस्ट वगैरह होती है, ट्रांसमिशिंग मशीन डिवाइस होती है, जिसके थ्रू इन सब को लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक ये जो गर्डर दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा गर्डर, इसको बोलते हैं क्रेन गर्डर। ठीक है, ये हमारा क्रेन गर्डर होता है। और इसमें गेंट्री गर्डर जो होता है, ठीक है, वो गेंट्री गर्डर कहाँ होता है, तो दोस्तों गेंट्री गर्डर होता है इसके कॉर्नर पर, यहाँ पर गेंट्री गर्डर लगा होता है, जिसके ऊपर ये क्या होता है, ये जो हमारा क्रेन गर्डर है वो रखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि गेंट्री गर्डर डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कॉर्नर पे गेंट्री गर्डर लगा हुआ है, उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस पे जो लोड्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है, फिर डिज़ाइन करना पड़ता है। यानी कि गेंट्री गर्डर जो डिज़ाइन करना है उसमें इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ कॉर्नर पर जो गेंट्री गर्डर लगे हुए हैं उनको डिज़ाइन करना है, लेकिन उसके लिए इसमें जितने भी लोड लग रहे हैं उन सबको कंसिडर करना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था गेंट्री गर्डर का। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ गेंट्री गर्डर होता क्या है। गेंट्री गर्डर कुछ भी नहीं है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी चीज़ें, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है अपने पास आई सेक्शन, ठीक है, और आई सेक्शन के अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास चैनल सेक्शन। ऊपर की तरफ चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन को अगर मैं आई सेक्शन के साथ कंबाइन कर दूँ तो अभी जो स्ट्रक्चर बन के हमारे पास आएगी, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे दोस्तों गेंट्री गर्डर। एकदम सिंपल आसान भाषा में ये है इसका मतलब, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन करने का पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है कि मुझे एक तो चैनल सेक्शन बताना है कि चैनल सेक्शन कौन सा होगा, और उसके अलावा मुझे क्या बताना है कि आई सेक्शन कौन सा होगा। सिर्फ दो चीज़ें बतानी मुझे, एक तो चैनल सेक्शन, एक आई सेक्शन, बस। ठीक है, यहीं हमारी डिज़ाइन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कि बस ये चीज़ें आप बता दो। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि सिर्फ इतना बता दोगे आप, लेकिन अगर वो लोड में फेल हो गया तो फिर उसमें चेक्स भी लगाने पड़ेंगे। तो हमारी डिज़ाइन के दो पार्ट होते हैं हमेशा, स्टील में हम जो भी पढ़ेंगे उसके दो पार्ट हैं, एक तो उस सेक्शन को डिज़ाइन करना और फिर उसमें चेक लगाना। चलिए फिर हम आपको वन बाय वन बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं इसको डिज़ाइन करने के। दोस्तों अगर आपको गेंट्री गर्डर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको तो क्या है कि पहली स्टेप ये है कि आपको लोड कैलकुलेट करें। ठीक है, लोड कैलकुलेशन करनी होगी, जो लोड कैलकुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं व्हील लोड। ठीक है, व्हील लोड कैलकुलेट करना होगा। तो व्हील लोड कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करें कि स्पान बनाएं किसका, क्रेन गर्डर का। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली स्टेप में जो हम स्पान कंसिडर कर रहे हैं वो किसका है, क्रेन का स्पान होता है। ठीक है, क्रेन का स्पान होगा हमारा, उस क्रेन के उसका स्पान के ऊपर क्या होगा, UDL लग रहा होगा किसका, क्रेन का, क्रेन का वेट लग रहा होगा। साथ ही साथ उस पर क्या है, एक लोड लग रहा होगा। ठीक है, वो लोड किसके बराबर होगा, वो लोड होगा कि हमारी जो क्रेन की कैपेसिटी है वो, प्लस हमारा जो ट्रॉली है यानी कि क्रैब है उसका वेट, उन दोनों के कंबाइंड वेट के बराबर। क्रेन की कैपेसिटी मतलब कि क्रेन कितना वेट उठा रही है, यानी कि वेट कितना लिफ्ट कर रही है या कितना कर सकती है, वो हमारी क्रेन कैपेसिटी हो गई। और ट्रॉली का सेल्फ वेट कितना, खुद का वेट कितना है, वो इन दोनों का जो कंबाइंड वेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल W समझ लो आप, वो हो जाएगा, और वो लग रहा होगा किसी डिस्टेंस बी पर। ठीक है, यहाँ स्मॉल बी पर किसी डिस्टेंस पर लग रहा होगा। अब ये हमारी स्मॉल बी डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल बी डिस्टेंस होती है मिनिमम हुक अप्रोच, कि हमारा जो हुक है ना, जो हुक उठाने के लिए हम काम में ले रहे हैं वहाँ पे, वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया, ये जो हुक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हुक लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हुक कितनी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस तक पहुँच सकते हैं, यहाँ तक सपोर्ट तक, यही हमारी क्या होती है, मिनिमम हुक अप्रोच होती है।
तो वो क्वेश्चन में गिवन होती है कि अपनी मिनिमम हुक अप्रोच कितनी है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, अगर आपको व्ही लोड कैलकुलेट करना है तो ये आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने का तरीका क्या है कि आप एक स्पान बनाएं जो कि गैंट्री गर्डर जो है वो जिसके ऊपर प्लेस कर रखा है अपन ने, ठीक है ना, यानी कि क्रेन गर्डर, उस क्रेन गर्डर को रिप्रेजेंट करेगा ये हमारा, ठीक है, ये वाला स्पान। और उसमें आप क्या करो कि बी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो बी क्या है, व्हील यहाँ पे बी, बी क्या है यहाँ पे, बी है मिनिमम हुक अप्रोच, उस डिस्टेंस के ऊपर क्या करो आप एक लोड लगाओ। और वो लोड होगा किसका, कंबाइंड वेट होगा एक तो क्रेन कैपेसिटी का और दूसरा क्रैब या कि ट्रॉली का, क्रैब बोलो या ट्रॉली बोलो उन दोनों के वेट के बराबर होगा। और फिर आप क्या करो इसको, इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लो और यहाँ से आप क्या करो रिएक्शन निकालो ए पॉइंट पर, यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ से जो आप रिएक्शन निकालोगे ना, और फिर उसमें आप क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन के बाद में इसमें इम्पैक्ट फैक्टर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, व्हील लोड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिर आती है स्टेप नंबर टू, जब आप यहाँ से लोड कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, लोड कैलकुलेट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको क्या करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है गर्डर के ऊपर। अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा, दोनों डायरेक्शन में निकल के आएगा, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान रखना, स्टेप वन में जो हमने स्पान लिया था वो लिया था किसका, क्रेन गटर का। अब क्रेन गटर का स्पान यूज़ नहीं आएगा, अब स्पान यूज़ आएगा गेंट्री गटर का हर स्टेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको स्पान बनाना है गेंट्री गटर का, और आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, यहाँ से कट कर लेना दो पार्ट में। अगर मान लो ये 10 मीटर का स्पान होता तो 5 मीटर तो इधर हो गया और 5 मीटर इधर हो गया, ठीक है, 5 5 मीटर आपको कर लेना है, या फिर ऐसे समझ लो आधा आधा कर लेना, L/2 L/2 दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इतना काम अब आप कर, इतना काम जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है आपको कि अब एक दूसरा डायग्राम बनाना है। दूसरा डायग्राम किसका बनाना है, व्हील बेस का, ठीक है। ये हमको गिवन होता है कि जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली के जो पहिए लगे हुए हैं उन पहियों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कहलाती है हमारी व्हील बेस, वो व्हील बेस गिवन होगी। तो आपको क्या करना है कि जो व्हील बेस है ना उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है जिससे 25% डिस्टेंस तो इस लोड की हो और 75% डिस्टेंस इस वाले लोड की हो, ठीक है। अभी आपको समझ भी नहीं आया तो इसको सिंपल तरीका क्या है समझने का कि कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो दो व्हील होंगे वहाँ पर एक कैपिटल लोड लग रहा होगा W, यहाँ पे एक W, यहाँ पे कैपिटल W क्या है, स्टेप वन में जो हमने व्हील लोड निकाला है वो, इससे 25% डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है आपको, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का क्या हो, इस व्हील बेस का क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, कोई एक पॉइंट को मार्क कर लो आप, ये पॉइंट हो गया, और अगर इधर से डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगी 75%। अब करना क्या है कि इस वाले पॉइंट को जो आपने मार्क किया है, इस वाले पॉइंट को ला के कहाँ रख दो, जो हमने अभी गर्डर बनाया था, स्पान बनाया था ना जो गेंट्री गर्डर, उस स्पान के ऊपर ला के रख दो, उसके कहाँ पर, उसके CG पर, ठीक है, उसके CG पर ला के रख दोगे अगर आप। तो अभी इसको देखो कि अभी जो पॉइंट मैंने मार्क किया था उससे 25% पे एक लोड लग रहा था, ठीक है, और एक लोड लग रहा था 75% पे, 75% क्या, व्हील बेस, व्हील बेस की जो लेंथ है उसका 75% और व्हील बेस की जो डिस्टेंस है उसका 25%, ठीक है। तो ये दोनों वेट की लोकेशंस आ गई आपके पास में, तो अगर आपके पास में लोकेशंस है दोनों वेट की, एक यहाँ पे लोड लग रहा है एक यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से RC और RD में से किसी की भी वैल्यू या दोनों की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको पता होगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, आपको ये वाली डिस्टेंस पता होगी, और आपको ये पता है ये L/2 है, ये L/2 है, हमने पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, तो सारी डिस्टेंसेज आपको पता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस बीम को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में यहाँ से RC या RD में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। मैं प्रेफरेंस दूंगा RD, क्या आप RD निकालो, जब आपके पास RD की वैल्यू निकल जाएगी तो आप क्या करो, आप ई पॉइंट यानी कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, ई पॉइंट के ऊपर यहाँ खड़े होके ME निकाल दो, यानी मोमेंट अबाउट ई निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा RD मल्टीप्लाई ई से लेके RD की डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करोगे आप इससे तो ME निकल जाएगा। जब ME निकल जाएगा इसमें आप क्या करो, इम्पैक्ट फैक्टर अप्लाई करो, यानी कि लोड फैक्टर जो फैक्टर करोगे इसको, तो फैक्टर करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। अभी जो मोमेंट निकल के वर्टिकल डायरेक्शन में निकल के आया है, ठीक है, तो ये ME निकल के आएगा यहाँ से, और ME क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंट बताएगा, ठीक है। ये तो आया वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंट, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोमेंट निकालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो उस केस में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको अब करना ये है कि जो अभी हमने वैल्यूज़ निकाली उनका यूज़ करना है, कैसे,
कि बेंडिंग मोमेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स भी होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना होता है, जिसको हम सर्ज लोड बोलते हैं, वो होता है 10% ऑफ कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ क्रेन प्लस वेट क्रैब, या क्रैब ऑफ ट्रॉली है ना, वो वेट ऑफ ट्रॉली या वेट ऑफ क्रैब कुछ भी बोल लो। यानी कि आपको अगर याद हो तो स्टेप वन में हमने एक स्पान बनाया था, क्रेन स्पान। उस क्रेन स्पान पे हमने ऐसे सपोर्ट रिप्रेजेंट किए थे, वहाँ पे लोड लग रहा था यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू बी डिस्टेंस पे, ठीक है। और अब मैंने बोला था ये जो डब्ल्यू लोड लग रहा है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक तो है क्रेन कैपेसिटी और दूसरा वेट ऑफ ट्रॉली, तो वही चीज़ है यहाँ पे ये, ठीक है। उसी का 10% आपको निकालना है, ये रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स को। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये चार पहियों में डिवाइड होगा, जो ट्रॉली के चार पहिए होंगे, ठीक है, उन ट्रॉली के चार पहियों में डिवाइड होगा। तो आपको निकालना है सिर्फ एक व्हील के ऊपर, तो एक व्हील के ऊपर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, चार से डिवाइड करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक व्हील पे आ जाएगा, ठीक है। एक व्हील पे जब आ जाएगा तो आप उसको क्या कर लो, फैक्टर्ड कर लो, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब जो वैल्यू आएगी उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एच से, फैक्टर्ड करने के बाद में, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में, अब अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंट निकल के आएगा, जिसको मैं एम वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपने निकाला अभी, वो डिवीजन बाई वर्टिकल फोर्स जो आपने स्टेप वन में निकाला था, ठीक है। वो यानी कैपिटल डब्ल्यू से जो रिप्रेजेंट कर रहा था मैं व्हील लोड, वो मल्टीप्लाई एम ई, ई के अबाउट कितना मोमेंट आया, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मेरी एम वाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अपनी दो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको, कि हमने दो मोमेंट निकाले हैं, ठीक है। एक मोमेंट तो निकाला एम वाई, ठीक है, इस स्टेप में, और एक निकाला इससे पहले वाले स्टेप में एम ई। एम ई को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मोमेंट आए ये दोनों आपको ध्यान रखने, आगे ये यूज़ होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। इतना काम होने के बाद में आपको फिर स्टेप नंबर तीन में आना पड़ता है, और आपको क्या करना पड़ता है, ये शेयर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि गैंट्री गर्डर जो है उसके ऊपर शेयर फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कि आप जो अभी आपने स्पान बनाया था सेम वही 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 स्पान रहेगा, और जो आपकी लोड असेंबली थी, ठीक है, जो 25% 75% वो वाला फंडा हटा देना है। आपको क्या करना है, सीधे ही उनमें से एक लोड जो है कैपिटल डब्ल्यू वो तो लगाना है सपोर्ट पे, और दूसरा लगाना है बी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये आपको असेंबली बनानी है, और इस असेंबली को सॉल्व करना है, और आपको यहाँ से क्या निकालना है, आर सी, जो आर सी की वैल्यू निकल के आएगी वही मेरा मैक्सिमम शेयर फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने का तरीका हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ स्टेप नंबर चार में। अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ लोड कैलकुलेट किया है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट किया कि कितने कितने लोड आ रहे हैं, और लोड की वजह से शेयर फोर्स कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई चैनल सेक्शन और आई सेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है जो हमको यूज़ करना है गैंट्री गर्डर के लिए, वो एक्चुअल में है कौन सा चूज़ करूँ मैं अपने आई एस कोड से या फिर ये स्टील टेबल से, जो मेरा इस इतने लोड को क्या कर सके, ले सके, पास हो जाए इस लोड के लिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देख लो कि आप क्या करो, जब भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो आई सेक्शन की और चैनल सेक्शन की, तो आई सेक्शन की जो आपको डेप्थ लेनी है वो लेनी है एल बाई 12, और आपको चैनल सेक्शन की जो डेप्थ लेनी है वो लेनी है एल बाई 30। एल है यहाँ पे गैंट्री गर्डर का स्पान, ठीक है, और आई सेक्शन और चैनल सेक्शन दोनों की आ जाएगी हाइट अपने पास। अब ध्यान रखना, हाइट या डेप्थ में कह रहा हूँ, अब चैनल सेक्शन की डेप्थ से क्या मतलब है, डेप्थ से मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट आएगी ना, ये मेरी आई सेक्शन की क्या हो गई, आई सेक्शन की डेप्थ हो गई। और अगर चैनल सेक्शन की डेप्थ की बात करूँ तो वो हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये चैनल सेक्शन की डेप्थ हो गई, ठीक है। ये दोनों के यहाँ से डेप्थ निकल के आ जाएंगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, आईएस टेबल आईएस कोड में जाके या आई स्टील टेबल में जाके चैनल चैनल जो है वो सेलेक्ट कर लोगे, और आई सेक्शन क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लोगे। जब इतना काम हो जाएगा आपका, तो देखो फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, आई जेड जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई वाई वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, जेड वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, जेड पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। कुल मिला के बात यह है, कैलकुलेशन किस किस चीज़ की करनी है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की करनी है, ठीक है, और सेक्शन मॉड्यूलस की करनी है। सेक्शन मॉड्यूलस ध्यान रखना दोनों निकालने, एक तो आपको प्लास्टिक वाला भी निकालना पड़ेगा, है ना, और इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जेड ई और प्लास्टिक मतलब जेड पी, दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको। जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फिर चेक्स लगाने, एक तो लगाना है मोमेंट चेक, ठीक है, एक लगाना है बकलिंग रेजिस्टेंस का चेक, एक लगाना है शेयर कैपेसिटी का चेक, ये चेक्स लगाने हैं फिर आपको।
अब आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो चेक्स वगैरह के बारे में है, इसमें कोड में गिवन है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि आपको कैसे चेक लगाना है, वैल्यूज़ कैसे लेनी है, और फॉर्मूला वगैरह भी गिवन है कोड में, ठीक है। और ये कोड कौन सा है, स्टील, स्टील का कोड कौन सा है, IS456-2007, ठीक है, ये यूज़ करना है हमको कोड। तो आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, फॉर्मूला कहाँ कौन से पेज पे कितने नंबर पे गिवेन है सब कुछ, और एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन वो हम क्वेश्चन का डिस्कशन कहाँ करेंगे, वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम अनअकैडमी पर, ठीक है। तो आप क्या करना कि आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे सर्च बॉक्स लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाना और मेरा नाम टाइप करना, अमित सिंह भदौरिया, ठीक है। जब मेरा नाम आप टाइप करोगे, अमित सिंह भदौरिया सर्च करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि नीचे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, और आप मेरी प्रोफाइल जो है उस प्रोफाइल पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहाँ पर आपको, ठीक है। ये अमित सिंह भदौरिया दिख जाएगा वहाँ पर, ठीक है, अमित सिंह भदौरिया दिख जाएगा, और साथ ही साथ मेरी वहाँ पर फ़ोटो दिख जाएगी, ठीक है। वहाँ जाके आप क्या करो, मुझे फॉलो कर लेना, और मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं स्टील के, उनको आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल है, गैंट्री गटर के, प्लेट गटर के, स्टील टैंक के हैं, ब्रिज के हैं, और ब्रिज भी दोनों हैं, डेक टाइप और थ्रोक टाइप सारे अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, और आप इसे ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखिए और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।